हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है बनारस में है दोस्तों, और ये देवभूमि की है स्थल है दोस्तों। तो हम लोग जो है बनारस के अंदर में घूमने के लिए जो है वो 2-3 दिन के लिए रुक गए हैं दोस्तों। हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो दीदी हैं, वो हमको पूरा बनारस का भ्रमण करा रहे हैं और हम लोग बहुत उत्साहित और खुशी हैं दोस्तों। ये लोग हमें लेकर के आए बनारस की घाट पे, वहाँ पे हमारा हम लोगों को आरती दर्शन कराए हैं। और देखिए, वो हमें आरती दर्शन करवाए हैं नौवा में बैठा कर करके, क्योंकि हमें भीड़ के कारण दिख नहीं रहा था, तो नौवा में बैठाया गया है। सामने हमने आरती का दर्शन किए हैं और नौवा से पूरी मतलब कि वहाँ पर गंगा घाट का दर्शन किए, दर्शन करवाए हैं हमें, नाव में बैठाए और सब जगह घुमाए दोस्तों हम लोगों को। और देखिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट है दोस्तों हम लोगों के अनुसार, तो नाव में चढ़ने का 200 रुपये पर हेड लोगों को, और हम लोग जो थे वो काफ़ी लोग थे, हम लोग 8 आदमी थे करीब। तो सब लोगों को उन्होंने नाम में चढ़ा करके पूरा जो है वो घाट का दर्शन कराए और सभी के बारे में बताए दोस्तों। तो चलिए आप लोग भी देखिए किस तरह से हम लोग घूमे हैं, और आप लोग भी दर्शन कीजिए, और कैसा लगा ये, कैसा लगता है आप लोगों को वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आकर बनारस घूमने का भी है, आकर तो घूमिए, आकर के ये सुंदर दृश्य को आप लोग भी देखिए और लुत्फ लीजिए दोस्तों। तो चलिए आप देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों दशमेश घाट का जो आरती जो है वो ख़त्म हो गया है, और अब हम लोग जैकेट जो है वो पहना दिया गया है, सेफ्टी जैकेट जो होता है वाटर के अंदर जाने के लिए वो पहन करके, और अब हम लोग जो है नौका से पूरे घाट को घूमेंगे चारों तरफ से दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं, और जितने भी घाट है वो घाट का भ्रमण कराया जाएगा हम लोगों को। तो हम लोग घूम रहे हैं दोस्तों, और ये देखिए हम लोगों को हर घाट का दर्शन कराया जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है वो गाइड कोई आगे में है, वो बता रहा है लेकिन हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पीछे में हम ही बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो ड्राइवर होते हैं जो ड्राइव करते हैं नौका को, हम वहीं पे बैठे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे ऊंचा है और इसीलिए हम ऊपर में बैठे हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से काशी घाट लग रहा है दोस्तों, और पानी में जो है वो लाइट का जो प्रतिबिंब आता है वो बड़ा ही अनोखा लगता है। और हम लोग जो है वो नौके से घूम रहे हैं दोस्तों, देखिए ये आगे कुछ अच्छा दृश्य दिखाया जाएगा, तो उस दृश्य का जो है हम लोग अवलोकन करेंगे, देखेंगे ये किस प्रकार से लगता है ये काशी का घाट, दशमेश घाट। और इस तरह से दोस्तों बताया जाता है कि 180 घाट है दोस्तों, इस प्रकार से लोगों ने हमें बताया। एग्जैक्टली पता नहीं कि कितना घाट है बनारस में, लेकिन जितने भी घाट हैं सब पे आरती वगैरह जो होता है वो होता ही है दोस्तों, और लोग जो है वहाँ स्नान वगैरह करते हैं और पवित्रता के लिए जो है वो पूजा करते हैं। यहाँ कई एक लोग पिंडदान भी करने आते हैं, लेकिन हम लोग रात में आए हैं आरती के समय केवल आरती का अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए। तो आप देख पाएंगे कि जितने भी लोग जो हैं वो सारे हम जिस बोट में सवार हैं उसी में सारे लोग जो है वो बोट में बैठे हुए हैं। सामने गीता जी हैं, आपको दिख नहीं रहा है अंधेरा के कारण दोस्तों, क्योंकि बोट के ऊपर में अंधेरा है और हम लोग जो है वो बीच गंगा में है। और ये देखिए कि घाट कितना रंगारंग लग रहा है दोस्तों, तो उधर में जो जितने भी लाइटों से नहाया हुआ है ये घाट,
और पानी जो है वो पानी भी देखिए, पानी में भी कितना फ्लो है और कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों। तो ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बढ़िया दृश्य हो सकता है ये बनारसी घाट का। तो आप लोग देखिए, और भी रोचक होने वाला है। और ये देखिए दूसरा जो नौका है वो हम लोगों के जस्ट बगल में आ गया है दोस्तों। तो हम लोग इसको तो आगे की तरफ क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। नौका बड़ा ही सावधानी पूर्वक से चलाया जाता है दोस्तों। हम देखें क्योंकि हम नौके के जो स्टीयरिंग जो ड्राइवर होते हैं उसी के पास बैठे थे दोस्तों। वो बड़ी सावधानी पूर्वक चलाना पड़ता है, नहीं तो नौका भी जो है वो पानी के अंदर लड़ जाता है दोस्तों। तो इस वजह से वो बड़ी सावधानी पूर्वक चलाते हैं और उन लोगों को कंट्रोल वगैरह रहता है दोस्तों, और किस प्रकार से ब्रेक भी मारनी है उन लोगों को अनुभव रहता है। तो ये देखिए ये बहुत बड़ा जो है वो पानी में ये बोट सब हैं दोस्तों, और कम से कम हमें लग रहा है कि 200-300 बोट था वहाँ पे जब आरती हो रही थी। और सभी बोट जो घुमाने के लिए सभी लोगों को निकल गया है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है दोस्तों। यहाँ से तो छोड़ करके जाने का इच्छा नहीं होता, लेकिन जाना पड़ेगा। हम लोग दूर दूर से आए हैं दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे हैं। और इसी घाट में एक घाट ऐसा घाट है दोस्तों, जहाँ पर सत्य हरिश्चंद्र ने अपने बेटे की मृत्यु के उपरांत भी अपनी पत्नी से उससे कफन का पैसे जो है वो मांगते हैं, वो घाट का जो पैसा होता है वो मांगते हैं और वो लेते हैं। तो वो घाट भी यहीं पे है, और बताते हैं कि सबसे पहले जो होलिका का जो होता है वो होलिका का जो रस्म रिवाज जो होता है होलिका, वो सबसे पहला जो है ये बनारस में ही इन लोग मनाते हैं, और वो भी चिता की राख से मनाते हैं। ये मुझे पहली बार इस तरह के सुनने को मिला है दोस्तों, और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं लोग यहाँ पर हर त्यौहार को। और हिंदू का जो है वो बड़ा ही बहुत बड़ा धर्म स्थली है दोस्तों। यहाँ पर हर लोग जो है वो स्नान पिंडदान ये सब करने आते हैं, और वो दूर दूर से, और यहाँ पर्यटक जो है वो पूरे विश्व से आते हैं। और ये एक जीता जागता शहर है दोस्तों। यहाँ हर रोज़ लाखों रोज लोग आते हैं और लाखों लोग चढ़े जाते हैं। हर दिन एक ही तरह के लोग नहीं होते हैं, केवल जो यहाँ के दुकानदार पंडित वगैरह जो होते हैं, पुरोहित जो पूजा पाठ कराते हैं वही लोग होते हैं। और पर्यटक जो है वो डेली बदल जाते हैं दोस्तों। तो ये एक जीता जागता शहर है जहाँ पर हर लोग सैलानी आते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया सा ये सजा हुआ है, और ये बहुत बड़ा नौका है कि लगभग स्टीमर जैसा है दोस्तों, और इसमें लाइट जो है वो जलाए हुए हैं। इस पर करके हम लोग भी जो है वो नौका विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं दोस्तों नौका के साथ में। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ में बने रहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आता नहीं है दोस्तों। हम लोग भी पहली बार आए हैं और इतना करीब से देख पाए हैं गंगा नदी का। ये देखिए ये जो पीछे भैया हैं वो नौका चला रहे हैं हमारे, और हम नौका पे बैठे हैं दोस्तों। ये सब उनके पास में ही, और ये हमें कुछ कुछ जो बातें हैं वो बता रहे हैं। उन्होंने ही ये बात बताई है कि यह सत्ता हरिश्चंद्र जो अपने
लड़के के लिए जो जलाने के लिए जो पैसे मांगते हैं वो यही घाट है भैया, हमें बताए हैं दोस्तों, तो हमें इस चीज़ की जानकारी मिली है। और बहुत ही भव्य भव्य तरीके की डेकोरेशन लाइट ये काशी घाट पे होता है दोस्तों, दशमेश घाट पे। तो आप लोग इस तरह से देखते रहिए दोस्तों हमारे वीडियो को, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और चैनल पे अगर आप मेरे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जितना भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके दोस्तों। और ये देखिए काशी घाट के नज़ारे, ये जो नज़ारा है वो बड़ा ही रोमांचित करता है हम सभी को, और कौतूहल भरा रहता है कुछ नया और दिख जा, कुछ नया और दिख जा। तो उसके खोज में हमेशा आंखें जो है वो इधर उधर देखती रहती है दोस्तों। तो हमें बड़ा प्रसन्नता हुआ क्योंकि इस तरह के इस तरह के आस्था के जगह हम कभी नहीं आए थे, इतनी बड़ी आस्था के ये स्थली पे ये पहली बार आए दोस्तों। और आनंद का मेरा ठिकाना न रहा, हम बड़ी अंदर से खुश हैं दोस्तों क्योंकि हमने काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करा दोस्तों, और हम काशी घाट में नहा भी पाए दोस्तों। तो ये हमारा सौभाग्य एक तरह से बन गया है दोस्तों, और बड़ी ही आनंद लग रहा है क्योंकि हम कहीं पे घूमने भी नहीं जाते दोस्तों, और कोई जो स्थली होता है धर्मस्थली वहाँ भी नहीं जाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर घाट है जो लाइट्स मतलब कि लाइट से जो है वो रोशनी से नहाए हुए हैं दोस्तों, और वो भी रंग बिरंगा रोशनी, ये ऐसा मतलब कि कौतूहलता होता है दोस्तों कि ये कुछ और भी नहीं दिख जाए, कुछ और भी नहीं दिख जाए। और हर घाट पे भिन्न भिन्न तरीके की लाइट लगे होते हैं दोस्तों, और ये दिन ये रात में भी दिन जैसा महसूस हो रहा है इस घाट के ऊपर, आप लोग देख भी रहे होंगे। और अगर आप लोग आना भी चाहते हैं तो आइए और देखिए एक बारी दोस्तों, ये बनारस की घाट बहुत सुंदर है दोस्तों, आप लोग को भी बहुत आनंद आएगा। हर दिन एक नया सा लगता है ये बनारस का घाट, क्योंकि यहाँ सैलानी जो है वो रोज़ बदल रहे हैं दोस्तों, नए नए तरह के आते हैं, बड़ी प्लानिंग करके आते हैं। ये देखिए ये घाट का जो है रोशनी से नहाए हुए, और गुलाबी कलर, पीला कलर, बड़ा ही मन को मोहने वाला और मन को खींचने वाला जो है ये दृश्य हमें लग रहा है दोस्तों। आप लोग कैसा लगे आप लोग हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके ये वीडियो शूट किए हैं दोस्तों। वीडियो शूट करना भी मामूली बात नहीं होती है, लोग बोलते हैं ये वीडियो क्यों बना रहे हैं ये वो दोस्तों, उन लोगों को इग्नोर करके हम लोग जो है वीडियो शूट करते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें और आप लोग भी देख करके आनंदित हो सके दोस्तों। तो ये देखिए तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन है वो बना रहे दोस्तों। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, लोग तरह तरह से घूरते रहते हैं दोस्तों, हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों। तो आप लोग हमारे प्रैक्टिस कर रही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और आज का ब्लॉग वीडियो है दोस्तों यहीं तक के रखते हैं, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय 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 दोस्तों।